सारी अपडेट है कनाडा से रिलेटेड, बायोमेट्रिक और तरक्की के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ मिस्टर जे, ट्रैवल एंड वीज़ा गाइड की तरफ से खुश आमदीद। आई होप यू आर फाइन। सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि हर आने वाली मेरी वीडियो आपको बआसानी से मिलती रहे। तो हम बात कर रहे थे कनाडा के हवाले से कि कनाडा ने सर्विस बहाल कर दी है। ऑफकोर्स कनाडा ने सर्विस बहाल कर दी है 1 जुलाई से, यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, एज ऑफ जुलाई 1, 2020 वी आर प्रोसेसिंग ऑल ऑनलाइन विजिटर वीज़ा एंड ETA एप्लीकेशन, सो यू कैन बी रेडी टू ट्रैवल व्हेन द रिस्ट्रिक्शन आर लिफ्टेड। मतलब कि ये ऊपर उन्होंने बताया कि इस लाइन में जो आपको बताई जा रही है, इवन इफ यू हैव एन अप्रूव्ड विजिटर वीज़ा और ETA वीज़ा, यू मे नॉट बी अप्रूव्ड टू ट्रैवल एट दिस टाइम और गारंटीड इंट्री टू कैनेडा। मतलब कि अब जब तक अगर उन्होंने ये रिस्ट्रिक्शन हटा नहीं देनी कि आपको ट्रैवल के हवाले से, जो विजिटर जो टूरिस्ट पे जा रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ मैं, जब तक ये रिस्ट्रिक्शन नहीं हटाई जाएगी उस वक्त आप ट्रैवल नहीं कर सकते, इवन आपके पास वीज़ा है और या आपका वीज़ा अप्रूव हो चुका है। ठीक है, तो आप उस वक्त तक ट्रैवल नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में अपना बताया सारा शेड्यूल, इसलिए यहाँ से कैनेडा ने जो आपको क्वारंटीन होने के लिए 14 डेज से रिलेटेड और डॉक्यूमेंटेशन जो आपको इंट्री के लिए प्रॉपर किए जाएंगे, ऑलराइट, वो मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में सारी डिटेल्स दी हुई है। तो लिहाजा मैं इस हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ये देना चाह रहा हूँ कि अगर आप कैनेडा का वीज़ा राइट नाउ अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो आप अपना जो फ्लाई का शेड्यूल है वो थोड़ा लॉन्ग बताएं, आप इतना नर्वस ना जाएं। अगर आप टूरिस्ट पर्पज़ पे जा रहे हैं, किसी भी पर्पज़ पे जा रहे हैं, तो आप अपना जो पीरियड है वो मतलब कि क्वाइट लॉन्ग रखें अपना ट्रैवल प्लान। तो उस लिहाज से जब ये रिस्ट्रिक्शन हटा दी जाएगी तो आपको आसानी होगी ट्रैवल करने में, ऐसा कोई इशू नहीं होगा। लिहाजा जैसे उनके रूल रेगुलेशन है उसके मुताबिक आपको करना होगा। तो आप इस राइट नाउ अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेस कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यूज नहीं है। और सेकेंडली मैं आपको ये भी बता देता हूँ बायोमेट्रिक के हवाले से। बायोमेट्रिक में ऐसा ये है कि राइट नाउ उन्होंने ये कहा है यहाँ पे, योर एप्लीकेशन वॉन्ट बी रिफ्यूज और क्लोज इफ यू कैन गिव योर बायोमेट्रिक ड्यू टू COVID-19 क्लोजर। मतलब कि COVID-19 के हवाले से बताया गया है कि अगर जब तक ये मतलब कि वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर और बायोमेट्रिक सेंटर जो कनाडा से रिलेटेड है जहाँ पे आप देते हैं, अगर वो क्लोज रहेंगे, आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ भी नहीं की जाएगी और क्लोज भी नहीं की जाएगी, वो स्टिल प्रोसेस पे रहेगी। ठीक है, उन्होंने आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ नहीं करनी, तो आपको इसमें सीरियस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, तो ये आपको इतला देनी थी मैंने आज की इस अपडेट में कि आप राइट नाउ अपनी एप्लीकेशन को अप्लाई या प्रोसेस कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं किसी भी पर्पस पे, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो ले रहे हैं। ऑलराइट, और राइट नाउ बायोमेट्रिक के हवाले से ये भी बता देता हूँ, बायोमेट्रिक सून ओपन हो जाएंगे, ये बात नहीं कि नहीं, सून टाइम आने वाला है क्योंकि इतला हमें मिली है, लेकिन मैं अभी कंफर्म नहीं कर सकता। जाहिर सी बात है कंफर्म करूंगा तो फिर हो भी सकता है कि कुछ अप डाउन भी हो सकता है, तो लिहाजा ये बताने लगा हूँ कि सून ओपन हो जाएंगे, आप अप्लाई करें, जैसे ही ओपन आएंगे तो आपने बायोमेट्रिक दे दी जाएगा। लेकिन आपको फिक्र करने की ये भी जरूरत नहीं है कि आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर दी जाएगी या क्लोज कर दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपको सस्पेंशन के दौरान बताया गया कि अभी अप्लाई ना करें, वो वीकनेस टाइम था, उस पर अगर अप्लाई करते तो आपकी एप्लीकेशन क्लोज भी की जा सकती थी और रिफ्यूज़ भी की जा सकती थी। तो अब ऐसा कुछ नहीं है, आप अप्लाई करें, ठीक है, मोस्ट वेलकम, आप अप्लाई करें कनाडा वीज़ा के लिए। जैसे बायोमेट्रिक डिपार्टमेंट ओपन होंगे तो आप जाके अपने बायोमेट्रिक दे दीजिएगा। ऑलराइट, सो ये हमारी आज की अपडेट थी। और तुर्की के वाले से आपको बताया जाता है कि बेसिकली तुर्की ने जो वीज़ा वैलिडिटी आपको दी गई थी 1 ईयर की, और डिपेंड करता है कितने दिन का स्टे था, उस तरीके से वीज़ा इशू किया जा रहा था ये लास्ट मंथ जून में। ऑलराइट, तो अब जो है वैलिडिटी उन्होंने इंक्रीज की जगह डिक्रीज कर दी है। मतलब कि पहले जो साल की थी वो 6 माह पर आ गए हैं, हो भी सकता है कि फॉलोइंग मंथ में, हो भी सकता है कि वो जैसा कि पास्ट में दी जाती थी 3 मंथ्स की वैलिडिटी, हो ऐसा भी है कि लास्ट साल के एंड पे 1 मंथ की भी वैलिडिटी दी जाती थी वीज़े की, तो उसी लिहाज से वो वापस आ जाएंगे। जिनको 1 ईयर की वैलिडिटी मिल गई वो लकी पीपल है जिनको मिल गई है, ठीक है, वो अपनी उस वैलिडिटी का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। और राइट नाउ
तुर्की ने जो वैलिडिटी है वीज़े की वो 6 मंथ कर दी है। अब 6 मंथ के साथ वो वीज़ा इशू कर रहे हैं वैलिडिटी का। आप 10 दिन का ले, 7 दिन का ले, 15 दिन का ले, 1 माह का ले, फिलहाल 6 मंथ की वैलिडिटी है। मे भी हो सकता है कि वो वापस अपने शेड्यूल पर आ जाए, जैसा कि 3 मंथ की वैलिडिटी दे देते। तो ये भी मैंने आपको कंफर्म कर दिया इस लिहाज से। और नेक्स्ट मैं आपको और उस लिहाज से बता देता हूँ, तुर्की के लिहाज से कॉमन लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैं तुर्की से डिपोर्ट हूँ, इस कंडीशन से इलीगल स्टे किया था और एंट्री थी मेरी, मतलब कि आपको बताने के जैसे मैंने इलीगल एंट्री की है और बाद में मैं वहाँ से एग्जिट भी हुआ हूँ, ठीक है, तो डिपोर्ट होने की सूरत में क्या होता है, क्या मैं दोबारा ट्रैवल कर सकता हूँ। इस लिहाज से मैं बता देता हूँ कि जो तुर्किश लॉ है वो डिफरेंट कैटेगरीज में वो बैन करता है, वो ऑफ कोर्स वो बैन ज़रूर करता है, बैन करता है। उसका जो लास्ट बैन जो है ना, जो वो सबसे बड़ा बैन जो लगाता है वो 5 ईयर्स का होता है, ठीक है। तो बेशक वो आपके आईडी कार्ड के नंबर से लगाए या पासपोर्ट के नंबर से लगाए, वो बैन लगाते हैं ज़रूर, आपके फिंगरप्रिंट भी होते हैं तो बैन लाजमी लगाते हैं। तो इसलिए करके ये मैंने अपडेट दी, इसकी इसकी मैं एक वीडियो शेयर ज़रूर करूंगा, उसमें आपको तमाम मालूमात दूंगा। लिहाजा मैं ये बता रहा हूँ कि जो लोग तुर्की से डिपोर्ट हुए हैं, ऑलराइट, मतलब के वो उनको ये चीज़ का ख्याल रख लीजिए कि वो अगर डिपोर्ट होके आए हैं उनकी फिंगरप्रिंट और बाकायदा उनके पासपोर्ट या आईडी कार्ड के साथ उनको डिपोर्ट किया गया है, ठीक है, तो वो लाजमी बैन होंगे। ये आप मालूम कर सकते हैं एम्बेसी से, कंफर्म कर सकते हैं, ऑलराइट, इस लिहाज से। तो उसके एम्बेसीज के ये नंबर भी हैं सामने आपको दिए गए हैं, अब यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं कि मैं बैन हूँ कि नहीं, या तो ईमेल डाल सकते हैं कि क्या मैं अभी वीज़ा अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं अप्लाई कर सकता, ऑलराइट। तो ये चीज़ आपको बताना ज़रूरी है कि अगर आप जानना चाहते हैं अपनी एप्लीकेशन के लिहाज से कि आप अभी एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए कि नहीं, तो आप इस नंबर पे या इनकी जो ईमेल एड्रेस है, ठीक है, ये वाला ईमेल एड्रेस आप इस पे भी कंफर्म कर सकते हैं कि बेसिकली यही ईमेल एड्रेस है, यहाँ पे ही आप कर सकते हैं, ये आपको बकायदा इसका जवाब भी दे देंगे। तो आप राइट ना, क्योंकि हर कैटेगरी एक ही है, एक डिफरेंट कैटेगरी, क्योंकि ये 1 साल से लेकर 5 साल तक का बैन लगाते हैं उस डिफरेंट कैटेगरी में। जिसने फाइन पे कर दिया वो क्लियर हो जाता है, जिसने फाइन ही पे किया गया उसका भी 1 साल का बैन हो सकता है, 3 मंथ से लेके 1 साल तक, साल से 2 साल, 3 साल, 4 साल, इस तरह 3 साल, फिर 3 साल से 5 साल का बैन लगता है। तो ये भी आपको मैंने अपडेट दे दी आज के लिहाज से, ऑलराइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।